याद रखो मेरे अपने नौजवान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी में एक चीज शैतान नाम की रखी हुई, वो इतना ज्यादा हमारे साथ लगा हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा इन शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, इंसान शैतान के साथ के अंदर खून के साथ साथ दौड़ता रहता है। और दूसरी चीज अल्लाह ताला ने लगा के रखी है वो है हमारा अपना नफ्स, नफ्स अम्मारा, अम्मारा तुम बिस्सू, बुराइयों की तरफ दावत देने वाला नफ्स। बड़े अफसोस की बात यह है कि हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हमारी जिंदगी में शैतान का या हमारे बुरे नफ्स का कोई हिस्सा ही नहीं। क्या मतलब? हम अपने नफ्स की तरफ से और शैतान की शर की तरफ से चौकन्ना नहीं है, हम आगाह नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कहते हैं भाई मैं अपनी मर्जी का पाबंद हूं। आपको पता नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी कर रहे हैं कह रहे हैं वो आपकी मर्जी नहीं, वो आपके नफ्स अम्मारा की गुलामी है। आपको पता नहीं जिसे आप अपनी मर्जी कह रहे हैं वो आपकी गुलामी नहीं, वो शैतान की गुलामी है जो आपके अपने अंदर जा जीता है। ये फर्क एक मुसलमान कर सकता है, ये गैर मुस्लिम जिसको इसी चीज पे ईमान नहीं वो नहीं कर सकता। मुस्लिम नौजवान को यह समझना चाहिए कि उसके साथ शैतान लगा हुआ है, उसके साथ उसका अपना नफ्स लगा हुआ है, और इन दोनों के साथ ये आदमी अगर कहे मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूं गलत कहता है। आप अपनी मर्जी से नहीं जी रहे, आप गुलाम हैं। फर्क क्या है? इस्लाम कहता है तुम रब की गुलामी करो, रब के हुक्म के पाबंद हो जाओ। आप कहते नहीं मैं अल्लाह की गुलामी नहीं करूंगा, मैं आजाद जीऊंगा। आप आजाद नहीं होते रब की गुलामी छोड़कर, या तो नफ्स की गुलामी करते हैं या फिर शैतान की गुलामी करते हैं। बस तय करना यह है आप किसकी गुलामी में रहना चाहते हैं, नफ्स की और शैतान की गुलामी में सफर जारी रखना चाहते हैं या इनसे आजाद होकर अल्लाह ताला की गुलामी की तरफ वापस लौटना चाहते हैं। शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है अल्लाह ताला के सामने आना, अल्लाह के हवाले अपने आप को कर देना, अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देना, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। आज का नौजवान गलतफहमी का शिकार है अगर वो ये समझता है कि मैं आजाद हूं। आप आजाद नहीं, आप गुलाम हैं। और खास तौर पर यह जुमला जिस पर खत्म करूं अपनी बात, आदमी समझता है जवानी का मतलब आजादी की शुरुआत है। याद रखना मुस्लिम नौजवान की जवानी आजादी की इब्तिदा नहीं है, पाबंदी और बंदगी की इब्तिदा है। इसलिए कि शरीयत ने बताती है कि आदमी बालिग होता है, जवान होता है तो शरीयत का मुकल्लफ होता है। दुनिया कहती है आदमी बालिग होने के बाद आजाद होता है, इस्लाम कहता है कि आदमी बालिग होने के बाद अल्लाह की बंदगी के दायरे में आ जाता है, शरीयत का मुकल्लफ हो जाता है, शरीयत का पाबंद हो जाता है। कितना फर्क है इस दो सोच के अंदर। इस फर्क को अगर अपनी जिंदगी में ले आए हम अपनी इस्लाह की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। हाजिर ने